तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इनिशिएटिंग टेक पे। और दोस्तों पता है आपको ना कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी आप सभी लोगों के लिए, उसमें मैंने ये आपको बताया था, मतलब उसमें मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और साथ ही साथ फर्स्ट इंप्रेशन दिया था कि एज एन विंडो यूजर मुझे पहली बार एक एप्पल प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर या उसे देख कर कैसा फील हुआ और क्या चीज़ें उसमें थी जो मुझे एकदम अच्छी लगी। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो जिसमें मैंने मैकबुक एयर की अनबॉक्सिंग करी और क्या क्या चीजें उसमें आपको मिल जाती हैं वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। बाकी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका रिव्यू क्या रहा, मतलब मेरे हिसाब से ये कैसा रहा यूज करने में, क्या क्या चीजें थी इसमें जो मुझे फेस करनी पड़ी और भी कई सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैक ओएस से रिलेटेड और मैकबुक एयर से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो कर लीजिए, उससे भी आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी। तो ज्यादा ना देर करते हुए लेट्स डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। तो दोस्तों यहां हम बात करने वाले थे मैकबुक एयर 2019 के बारे में। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यार कि इस मैकबुक एयर की फ़िलहाल जैसे रिव्यू चल रहा है तो मैं अपनी पूरी राय दूंगा यहाँ पर कि यार ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक है, कि मतलब अगर आप एक HP लैपटॉप या डेल लैपटॉप यूज़ करने की आदत है तो गारंटी हाथ से फिसलने का डर रहेगा भाई, क्योंकि वो बहुत मोटा होता है और उससे आधे से भी आधा पतला मतलब टाइप का ये लैपटॉप है अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, मैं आपको पास से भी वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी एप्पल लोगो जो पुराने मैकबुक एयर में जलता था LED की मदद से वो नहीं, अब इसमें आपको मेटेलिक फिनिश के साथ एकदम शाइन के साथ जैसे आपको iPhones में देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको कोई भी CD ड्राइव, USB ड्राइव या कुछ भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको Type-C 2 Thunderbolt 3 USB देखने को मिलती है जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा फास्ट है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि आप Thunderbolt की मदद से एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड तक का भी यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप में। हालांकि ये बात विंडोज़ के लिए तो मैंने देखा यूज़ होते हुए, पर इसमें होता है कि पता नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि नहीं होता होगा, शायद होता भी हो, लेकिन फिलहाल आप कर सकते हो। Thunderbolt 3 इतना फास्ट होता है आप अंदाजा लगा लो। बाकी इसकी जो चार्जिंग है ये आपको 30 वॉट का चार्जर इस लैपटॉप में मिलता है और अगर मैं चार्जिंग जितने हिसाब से मैंने इसे यूज़ किया, एक बार जब मैंने इसे 100% यूज़ कर लिया तो करीब 18 घंटे से 17 घंटे तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत। तो बैटरी बैकअप के मामले में तो भाई ये अच्छे से अच्छे लैपटॉप को पिछाड़ सकता है। बाकी अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको 1.6 या 1.56 GHz के आसपास का ड्यूल कोर i5 प्रोसेसर मिलता है जो कि मैक्स बूस्ट होता है 3.56 GHz तक। बाकी इसमें आपको 4 MB की L3 कैश मेमोरी मिल जाती है और RAM आपको इसमें 8 GB देखने को मिलती है जो कि LPDDR3 है और काफ़ी और अदर चीज़ें, जैसे कि और चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 128 GB की सिर्फ स्टोरेज देखने को मिलती है। अब 128 GB स्टोरेज में तो आपको जो मैक OS अपनी जगह ले लेता है, करीब 121 GB बचती है। उसके बाद मैंने अभी तक इसे सिर्फ कुछ दिन अपनी थोड़ी फाइल वाइल डाल रखी है तो उस हिसाब से अभी सिर्फ 89 GB बन रहा है। तो भाई प्राइस के हिसाब से जो है इसकी जो स्पेस आपको है वो काफ़ी कम देखने में मिलता है कंपैरिजन टू विंडोज़ की अगर हम बात करें। अगर आप विंडोज़ में 30,000 रुपये भी लगाओगे तो शायद आपको 1 TB स्पेस तक मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपये लगाए तब भी जाकर ढंग से 128 GB ही सिर्फ मिल पाया, जिसमें वो भी पूरा नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह तो मैक OS ले लेता है। बाकी अगर मैं एक्सपीरियंस बात करूँ कि मुझे विंडोज़ से मैक OS पे जाने में क्या क्या फील हुआ, तो यार ये बिल्कुल उल्टा है। मतलब कुछ चीज़ें जो है इसमें मिलती हैं आपको बिल्कुल विंडोज जैसे कि राइट क्लिक करोगे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन इसका जो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्रॉस बटन है वो आपको उल्टे साइड मिलता है। मतलब विंडोज में शायद राइट साइड है तो इसमें आपको लेफ्ट साइड मिलता है, वो भी ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह मिलता है। और काफी सारी अदर चीजें जो मैंने इसमें एक्सपीरियंस की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जो मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा मैकबुक एयर को लेकर, कि और क्या क्या चीजें जो इसमें डिफरेंसेस मुझे देखने को मिले। बाकी आप चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लोगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। बाकी और अगर अदर चीजें मैं बताऊं, लेकिन यार इसका ट्रैक पॉइंट ना बहुत अच्छी चीज है यार, बहुत ही मस्त चीज मुझे ट्रैक पैड लगी कि आप इसमें 3 fingers को यूज करके अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। अगर आप 3 fingers को ऊपर करोगे तो आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, डबल फिंगर्स को ऊपर नीचे करोगे तो आप पेज को अप एंड डाउन कर पाओगे। इसमें राइट क्लिक जैसा कुछ है नहीं, मतलब है अगर आप राइट क्लिक को भी यूज कर सकते हो ठीक है, लेकिन आप मतलब एक स्क्रॉल टाइप का आपको यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, काफी सारी चीजें इसमें हो
जाता है जेस्चर की मदद से। बाकी इसमें आपको लॉन्च पैड मिल जाता है, सर्च मिल जाता है, और अगर बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कि विंडोज़ में आपको कोर्टाना मिलता है, इसमें आपको सीरी मिलती है और भी एक दो चीज़ें। से कोर्टाना में आप टाइप करके भी चीज़ें फाइंड कर सकते हो, लेकिन सीरी से आप सिर्फ बोल कर बात कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको विंडोज़ से मैक ओएस में डिफरेंस मिलेगा। बाकी अगर हम इसके स्क्रीन की बात करें तो भैया इसमें आपको 13.3 इंच की जो है रेटिना एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। तो भैया अगर आप 1 लाख का कोई भी लैपटॉप होगा उसमें तो भी आपको आईपीएस पैनल देखने को मिलेगा अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ। तो कह सकते हैं कि हाँ, स्क्रीन इसकी काफ़ी लाजवाब है, बजट के हिसाब से बहुत बेहतरीन स्क्रीन इसमें आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन आप विंडोज़ में जाओगे तो शायद आपको इससे बड़ी स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है, बट एप्पल एप्पल है, बाकी विंडोज़ अलग है। जिनको भैया मैक ओएस शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं उनको कभी विंडोज़ नहीं समझ में आया, और जो शुरू से विंडोज़ यूज़ करते आए शायद उन्हें मैक ओएस समझने में टाइम लगे। लेकिन हाँ, एक ये अच्छी चीज़ है, अगर आप एक बार इसके यूज़ टू हो जाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगने लगेंगी। तो ये मेरा कंप्लीट रिव्यू था, और बाकी सारी चीज़ें अगर आप मुझसे इस लैपटॉप को लेकर, मैक ओएस से लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ, ये सारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। बाकी अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत कमाल के पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड स्टूडियो के बैकअप्स भी डालता रहता हूँ, तो आपको देखने में काफ़ी मजा आएगा, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप हमें फेसबुक पे और फेसबुक ग्रुप्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनिशिएटिंग टेक नाम सभी पे है, और वहाँ पे भी चीज़ें हम अपडेट करते रहते हैं आपके लिए। तो बाकी अगर आप सब पास सफाई रखिए, बड़ों की इज्जत करिए, डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। थैंक यू। We'll be right back.